तो स्वागत है आप सबका। आज हम ऐसा वीडियो देखने वाले हैं जहाँ पे एक बंदा सनी लियोनी को एक्सपोज करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू वी आर वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं सनी लियोनी एक्सपोज्ड। ये बंदा पहले ही गलत खेल गया। मतलब आप सनी लियोनी को और कितना एक्सपोज करोगे? नहीं, मेरा मतलब जब सनी लियोनी कपड़े खरीदने जाती है मॉल में, और कपड़े खरीदने के बाद जब वो मैनेजर से पूछती कि ट्रायल रूम कहाँ है, तो वो मैनेजर बोलता है हमसे क्या छुपाना मैडम, हम तो दिन भर आपको ही देखते हैं, आप हमारे सामने ही चेंज कर लो। मेरा मतलब समझे आप लोग, आप एक फटी हुई चीज को और कितना फाड़ोगे? और आप सही सोच रहे हो मैं कौन सी फटी हुई चीज की बात कर रहा हूँ। हम फिर भी इस वीडियो को आगे देखते हैं और ये भी देखेंगे कि सनी लियोनी का और फाड़ता है कि इसका खुद का फट जाता है। दोस्तों, बॉलीवुड की सुपरस्टार सनी लियोनी, जिसका असल नाम करणजीत कौर वोहड़ा है। क्या है? करणजीत कौर वोहड़ा है। वोरा वोरा बेटा वोरा, पहले तू बोलना सीख, लगता है अभी अभी निकला है। तू पहले आराम से बोलना सीख ले, बाद में ऐसे लोगों को एक्सपोज करेगा, ठीक है बेटा? पहली बार इंडियन टीवी की हिस्ट्री में एक पोर्न स्टार को सभी लोग इतनी इज्जत दे रहे थे जैसे वो कोई फहाशा ना हो बल्कि कोई नेक इंसान इनके दरमियान उतर आया हो। ये बंदा फिर से गलत खेल गया। बेटा तू समझ नहीं रहा है, हम सिर्फ सनी लियोनी को ही नहीं, हम मियां खलीफा, लीजा एन, एवा एडम्स, हम सबको ही काफी इज्जत देते हैं। और कुछ कुछ दिन तो हम इतनी इज्जत देते कि पूरा का पूरा दिन इनको ही देखते देखते कट जाता है। बेटा तेरे बातों को सुन के लग रहा है तो अभी तक अंडे से बाहर ही नहीं निकला है ठीक से। तू पहले अंडे से बाहर निकल, बाद में ऐसे औरतों को समझना और फिर एक्सपोज करने की कोशिश करना, ठीक है? 2011 में सनी लियोनी का डैनियल के साथ शादी करना, जो कि एक म्यूजिशियन है। सनी लियोनी का पति म्यूजिशियन कब था? म्यूजिशियन से इस बंदे का कुछ ये मतलब तो नहीं था? और अगर म्यूजिशियन से इस बंदे का ये मतलब है तो सच में सनी लियोनी का पति बहुत बड़ा म्यूजिशियन है और मैंने उसके बहुत गाने सुने हैं। और अगर इस बंदे का मतलब ऐसे म्यूजिक से नहीं था तो बेटा तू अंडे से सच में निकल, बहुत देर हो जाएगा। अभी निकल ले तो सच में बहुत देर हो जाएगा तेरे लिए। 2014 में रागनी MMS 2 रिलीज की जाती है, जिसमें फिर से पोर्न इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाता है और इस फिल्म का एक गाना बेबी डॉल मैं सोने दी हर घर में बजने लगता है। अगर आप इस गाने की बेहुदा वीडियो को देखें तो इस गाने में कई इल्यूमिनाटी सिंबलिज्म देखे जा सकते हैं, जैसे कि गाने के शुरू में ही सनी बाथटब में है और बैकग्राउंड में पर्दे ट्रायंगल शेप में खुले हुए हैं। क्या मतलब हुआ यार इस चीज का? मतलब सनी लियोनी एक मूवी कर रही है जो इसके हिसाब से पॉर्न इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहा है, इसलिए वो इल्यूमिनाटी होगा। अगर यही मूवी पूनम पांडे और राखी सावंत ने किया होता तो वो कैरीमिनाटी हो जाता। अजीब चूतियागिरी है ये एकदम। दोस्तों, आजकल हर किसी नौजवान की रसाई स्मार्टफोन्स या इंटरनेट तक है। स्कूल्स और कॉलेजेस में भी इंटरनेट से रिसर्च करने को तरजीह दी जाती है, जो कि अच्छी बात है, पर गूगल पर वो जवान कहां कहां जा सकता है आप जानते ही हैं। इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत हिंदुस्तान ने 500 से ज्यादा पोर्न साइट्स को ब्लॉक कर दिया हुआ है। बेटा तू 500 साइट ब्लॉक कर या 1000 साइट ब्लॉक कर, पोर्न देखने के लिए एक वेबसाइट काफी होता है, इसलिए तू ब्लॉक कर बेटा। तुम जितना चाहे उतना ब्लॉक करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, एक वेबसाइट हद से ज्यादा काफी है। और ये जो इतना पोन पोन इल्यूमिनाटी इल्यूमिनाटी कर रहा है ना, मुझे लग रहा है ये बंदा खुद सनी लियोनी को दिन में 3 बार देख के हिला के सोता होगा। बिना सनी लियोनी की इसकी नींद भी नहीं आती होगी। तो बस वीडियो को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। मालूम है ये वीडियो छोटा है, लेकिन हम क्या करें, इस बंदे ने अपने 12 मिनट की वीडियो में सिर्फ पोन, सनी लियोनी और इल्यूमिनाटी ही बोलता गया है। एक चीज में मैं कितना बोलूं, इसलिए मैं खत्म कर रहा हूं। और हमेशा की तरह हम फेसबुक में अपना लेके आ चुके हैं, वो कमेंटेटर सर्च कीजिए, हम मिल जाएंगे। और यूट्यूब में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो थैंक यू, बाय।